जहां तो कड़ाके की सर्दी से जूझ रहा है पूरा उत्तर भारत, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, तमाम सूबे ठंड से इस वक्त ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं। और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर के शीत प्रदेशों का हाल, लेकिन शुरुआत राजधानी दिल्ली के साथ। दिल्ली पर सर्दी का भीषण अटैक जारी है, 2 डिग्री का टॉर्चर। दिल्ली में आज 2.2 डिग्री तक लुढ़का पारा। दिल्ली वालों को कब मिलेगी सर्दी से राहत? लगातार तीसरे दिन भीषण सर्दी की गिरफ्त में है दिल्ली। जनवरी के शुरुआती दिनों में आमतौर पर दिल्ली सुबह सुबह कोहरे की चादर में अलसाई नजर आती है और दिन चढ़ने के बाद गर्माहट आने लगती है, लेकिन इस बार दिल्ली का मिजाज बदला बदला सा है। पहाड़ी इलाकों से लेकर के मैदानी इलाकों में ठंड और शीतलहर का कहर लगातार जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में आज मिनिमम टेम्परेचर, यानी अगर कहा जाए तो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर इस सीजन का जो है वो दर्ज किया गया है। 2 डिग्री लोदी स्टेट्स इलाके के अंदर ये टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात करें विजिबिलिटी की तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 50 मीटर से 150 मीटर के आसपास विजिबिलिटी जो है वो दर्ज की गई है। हमारी मौजूदगी इस वक्त अक्षरधाम पर, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि सुबह के वक्त विजिबिलिटी किस तरीके से जो है वो काफी हद तक कम नजर आ रही है। दिल्ली में सर्दी इस बार ऐसी है कि हिल स्टेशन भी पीछे छूट गए। शिमला, नैनीताल, मसूरी को भूल जाइए, सर्दी का आनंद लेना हो तो दिल्ली आ जाइए। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। लोधी रोड में 2 डिग्री, आया नगर में 3.4 डिग्री और रिज में 1.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। बहुत ज्यादा परेशानी हुई, वो काफी ठंड है, क्या करें। कोहरा तो खास नहीं है, अभी कभी कभी होता है लेकिन अभी फिलहाल कोहरा इतना खास नहीं है। ठंड तो है, वो काफी ठंड है। दिल्ली की मुसीबत ये है कि सर्दी अपने साथ मुफ्त में कोहरा भी लाती है, यानी जनवरी में दिल्ली पर ठंड और धुंध की दोहरी मार पड़ती है। इंडिया गेट के पास मैं मौजूद हूं और आपको दिखाता हूं यहां की तस्वीरें, लेकिन यहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लेकिन मैं दूसरे तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊं कि कई सारे ऐसे लोग हैं, ये देखिए सुबह के वक्त, जो यहां पर टहलने के लिए, ये शायद ठंड के मौसम में यहां पर पहुंचे हुए हैं, सुबह के वक्त पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तरफ की तस्वीर इधर की दिखाता हूं, ये देखिए ये कर्तव्य पथ है और यहां पर सामने कुछ ही दूरी पर राष्ट्रपति भवन है, जो यहां से आमतौर पर इस वक्त साफ नजर आता है, लेकिन कोहरा है जिसकी वजह से यहां पर आपको आगे कोहरे की सफेद चादरें दिखाई देंगी। कोहरा अभी हल्का हुआ है, उसकी वजह यह है कि हवा चल रही है। सुबह 5:30 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में धुंध का आलम यह था कि सिर्फ 25 मीटर दिखाई दे रहा था। हालांकि हाईटेक तकनीक की वजह से उड़ानों में बहुत ज्यादा मुश्किल की खबर नहीं है। देख करके बड़ी खुशी महसूस हुई कि अब इंडिया में भी वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि फॉग की वजह से फ्लाइट्स डिले नहीं हो रही हैं, तो बड़ा अच्छा लगा है देख के, क्योंकि पायलट ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि ऑटो पायलट मोड की वजह से हम लोग दिल्ली में इतनी भयंकर फॉग के बावजूद भी टाइम पे लैंड कर पाएंगे। लेकिन रेलवे के मुसाफिर इतने किस्मत वाले नहीं, कोहरे की सबसे ज्यादा मार रेल यात्रियों पर ही पड़ती है। रेलवे के प्रवक्ता के मुताबिक दिल्ली पहुंचने वाली 36 रेलगाड़ियां 1 से 7 घंटे लेट थी। इसकी वजह से सफर करने वाले यात्री तो मुसीबत में थे ही, वो लोग भी परेशान हुए जिन्हें स्टेशन पर अपनों को रिसीव करना था। कोहरा बहुत ज्यादा, गाड़ी बहुत हुए स्लो चल रही है। मेरे मम्मी आ रहा है, कहां से? गया से, बिहार। गया से नई दिल्ली आने के लिए ट्रेन 4-5 घंटे लेट है, कोहरे के कारण ट्रेन लेट है, कोहरा धुंध ज्यादा पड़ रहा है इसके कारण लेट। दिल्ली में सर्दी किस कदर है उसका एक पैमाना है बिजली की खपत। सर्दी से बचने के लिए दिल्ली वाले गीजर और हीटर का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे बिजली की जबरदस्त मांग हो रही है। शुक्रवार को सुबह बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर को छू गई। कल सुबह 10:58 पर दिल्ली में बिजली की मांग 5,526 मेगावाट पहुंच गई, जाड़े में ये रिकॉर्ड है। ये लगातार तीसरा दिन था जब दिल्ली में बिजली की मांग 5,000 मेगावाट से ऊपर गई। दिल्ली सर्दी से ठिठुर रही है, कांप रही है, आप भी अपना ख्याल रखिए।
बिना जरूरी बाहर ना निकलें, गर्म कपड़े पहनें और खान पान का भी ख्याल रखें। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।